नमस्कार, आप सुन रहे हैं अल्फाजे मेवात एफएम 107.8 और मैं हूं आपकी दोस्त अनुराधा। स्वागत करती हूं आप सभी का कार्यक्रम गांव की चौपाल में। अल्फाजे मेवात की कोशिश होती है कि हम आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा अधिकारों और विभिन्न सरकारी योजनाओं की जानकारी दें, क्योंकि आपके पास सही जानकारी होगी तभी तो आप शासन में भागीदारी कर सकते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपके साथ कस्मीना जी की कहानी साझा करेंगे। कस्मीना जी, आप पंच कैसे बने? क्या आपके परिवार में पहले से कोई राजनीति में था? नहीं, कोई हमें कुछ जानकारी नहीं थी इसके बारे में। राजनीति में नहीं था कोई, हमारे परिवार में से नहीं था, न रिश्तेदारी में से था। तो हमें जो ये वेलस की मीटिंग होती है सहगल फाउंडेशन की तरफ से, तो इसमें जाने के बाद हमें जानकारी मिली। हमें कुछ नहीं पता था पहले जी। तो हम जैसे वहाँ गए तो हमें वहाँ जानकारी मिली आंगनवाड़ी सेंटर के बारे में, जैसे पंचायत के बारे में, राशन डिपो के बारे में। सलाम अलैकुम, नमस्कार। सुशासन अभी, इसका मतलब है गांव के लोगों को सरकारी योजनाओं का पूरा पूरा लाभ मिले, और ये लाभ तो हमको तभी मिलेगा जब हम सरकार से मांग करेंगे, और मांग तब कर सकते हैं जब हमको पूरे सरकार की योजनाओं की अधिकारों के बारे में पता हो आपको। क्योंकि बिना आवाज़ उठाए गाँव, हम छोटी सी बात कर लेते हैं गाँव में, जो आपको पानी की समस्या है या रस्तों की समस्या है, जब तक आप अपनी आवाज़ को ऊपर नहीं पहुंचाओगे तो अधिकार कैसे मिलेगा? आपका किसी का सवाल है जो मैंने आपसे कुछ बात करी यहाँ पर? सर, ये गांव वाले समझते नहीं हैं। ऐसी बात नहीं है कि लोग सुनते नहीं हैं, काफ़ी सुनते हैं और काम भी करते हैं। और आपके बीच में यशोदा जी हैं जो काफ़ी सुशासन के तौर पर गाँव में काम किया है, जो आपके बीच में मौजूद है। मैंने अपने गांव में सबसे पहले साफ सफाई का काम किया, शौचालय बनवाए, 150 शौचालय का निर्माण करवाया और 12,000 की राशि उनको दिलाई। टॉयलेट हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है कि आज के युग में साफ सफाई बहुत अच्छी बीमारी से छुटकारा कुछ लोग रह रहे हैं, और वो भी बनवाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम भी शौचालय बनवाएंगे, पैसा मिले या ना मिले। सहगल फाउंडेशन का एक टोल फ्री नंबर है जो नागरिक सूचना एवं सहायता केंद्र है, जिसका नंबर 1803-3182। एक बार फिर आप नोट कर लीजिए, 1803-3182। सहगल फाउंडेशन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। मैं यहाँ पूरे दिन बैठता हूँ, फ़ोन सुनता हूँ, लोगों की मदद करता हूँ, जिसके द्वारा मुझे पूरे मेवात में क्या चल रहा है, क्या समस्याएं मेवात के वासियों को आ रही हैं, उन सब के बारे में मुझे जानकारी मिलती है। मैं उनकी समस्या समझकर उन्हें बताता हूँ कि आपको क्या करना चाहिए, आपको किस डिपार्टमेंट में जाना चाहिए, कौन अधिकारी उस पर काम करता है। ये CIS का डैशबोर्ड है, यहाँ जितने भी कॉल्स हमारे पास आते हैं उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है। कुछ कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं तो हम उनको यहाँ बुला लेते हैं ऑफिस पर, और उनका जो भी पेपर वर्क होता है या फॉर्म भरने होते हैं, हम उनको भर करके, वो पेपर वर्क करके उनको भेज देते हैं ऑफिस में। हेलो, सहगल फाउंडेशन में आपका स्वागत है, मैं ललित आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? बहुत लड़ाई लड़ी है जी। पहले तो जी अंधेरा था, हमें कुछ मालूम नहीं था जी, हमने कदम उठाया हो गया जी। आपकी बेटी, हमारी बेटी, इसमें मतलब बहुत फॉर्म भरवाए जी इनसे, और आंगनवाड़ी में सुधार किया, स्कूल में सुधार किया, और ये कोटे के बारे में सुधार किया जी। मैंने ट्रेनिंग ली थी, ये जानकारी मिली तो मैंने सारा काम, रास्ता पूछ के अपना सारा काम हल करें और भाइयों को, गरीबों को भी करवाएं। अगर हम बात करें तो हमारे साथ कासम जैसे सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं जो इतने जज्बे के साथ समाज का भला कर रहे हैं, और इसमें अगर महिलाओं की तादाद की बात करें तो हमारा पूरा महिला संगठन है। बड़े बूढ़ों की पेंशन है, CM विंडो है, और स्कूलों में निगरानी करना, सामुदायिक निगरानी पर विशेष ध्यान हमारा है। आज हमारा लीगल लिटरेसी कैंप है और मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ क्योंकि कैंप में हजारों लोगों के आने की उम्मीद है। ये हमारा
कानूनी जागरूकता कैंप उनके स्कूल में लगाया जा रहा है और इस कैंप में जितनी भी गवर्नमेंट द्वारा स्कीम चलाई जा रही है सरकारी स्कीमों के ऊपर हम जानकारी देते हैं, जैसे आंगनवाड़ी डिपार्टमेंट की है, बिजली पानी की है, पेंशन की है, लेबर डिपार्टमेंट की है, सब स्कीमों के बारे में इस कैंप में जानकारी भी देते हैं और मौके पर इन सारी स्कीमों के हम फार्म वगैरह भी भरते हैं। तो मैं कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सीजन नरेंद्र जी को आमंत्रित करना चाहूँगा कि वो मंच पे आए और अपने विचार रखें। हेलो, द कैंप डेफिनेटली मेक्स दिस सेंस। इट हैज टू फोल्ड पर्पजेस। वन, इट इज informative and educative, that is the one aspect of organizing any such camp, and second is actual assistance rendered to the persons, those who are the actual intended beneficiaries of any scheme. अल्फाज़े में बात सुशासन अभी कार्यक्रम का एक छोटा सा अंश है। इस कार्यक्रम के लक्ष्य बड़े हैं। सुशासन लाने में हर नागरिक की असरकारक भागीदारी होना जरूरी है। भागीदारी तभी संभव है जब सभी जागरूक हों। कुछ नागरिक दूसरों से ज्यादा जागरूक होते हैं, वो सुशासन चैंपियन हैं, वह सामुदायिक लीडर हैं। हमारे पास सारे कानून हैं, लेकिन ये सब कानून लागू भी होने चाहिए। नागरिकों ने काफी लंबा इंतजार कर लिया है। हमें सुशासन चाहिए अभी।